गाजा की जंग में एक बार फिर हमास ने इजराइल के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया। 3 महीनों के बाद हमास ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला किया और बेंजामिन सरकार को दहला दिया। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने भी गाजा में सीरियल अटैक किए। उधर हमास के टॉप लीडर्स को पकड़ने के लिए अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाई है ताकि हमास लीडरशिप को ध्वस्त करके गाजा में संभावित आटमी विनाश को रोका जा सके। इसराइल पर एक बार फिर हमास ने बड़ा हमला किया। हमास ने एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की कोशिश की। हमास के नए हमलों को देखकर इसराइल के लोगों को एक बार फिर 7 अक्टूबर के हमलों की याद आ गई। 7 अक्टूबर को भी हमास ने रात में इसी तरह मिसाइलों और रॉकेट की बरसात की थी, जिसके बाद भीषण जंग शुरू हो गई। इसराइल पर हमास के नए हमलों से बेंजामिन के लिए नई चिंता भी पैदा हो गई है और नई चुनौती भी। ऐसे में गाजा युद्ध और भीषण हो गया है। शुक्रवार को हमास के नए भीषण हमलों के बाद इसराइल गाजा की जंग में नए कदम उठाएगा और पहले से ज्यादा विध्वंसक हमले करेगा। जानकारों का मानना है कि अब इसराइल इसलिए भी ज्यादा खौफनाक हो जाएगा क्योंकि इसराइल के पास अब ये दलील और मजबूत हो गई है कि उसे आत्मरक्षा के लिए हमले तेज करने होंगे। इसराइल पर हमास के नए हमलों के बाद इसराइल ने भी दक्षिणी गाजा में कहर बरपाया। खान यूनिस में इसराइली फोर्स का ऑपरेशन तेज हो गया है। इसराइल का मानना है कि खान यूनिस में हमास के कई लड़ाके छिपे हुए हैं, इसलिए इसराइल अब खान यूनिस का हाल भी गाजा शहर की तरह ही करना चाहता है। उधर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पहले से ही हमास समर्थकों को निशाना बना रही है।